अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मायदास फूड। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत से रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बिरयानी के साथ खाए जाने वाला रायता। रायता बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इनमें सबसे पहले हमने लिया है खीरा, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। धनिया हमने लिया है 1 टेबल स्पून, इसको हमने बारीक काट लिया है। एक हमने ली है सब्ज़ मिर्च, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। टमाटर लिया है हमने आधा और इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। एक हमने ली है दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। और दही हम लेंगे 125 ग्राम। काली मिर्च का पाउडर हम लेंगे 2 चुटकी। मोटा कुटा हुआ सफ़ेद जीरा हम लेंगे 1/2 टीस्पून। काला नमक हम लेंगे 2 चुटकी और सफ़ेद नमक हम लेंगे जायके के हिसाब से। ये तमाम चीज़ें जाएंगी रायता बनाने में, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें दही डालेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और अब इसमें ये जाएंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और खीरा। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। इसको मिक्स करेंगे और ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे हम। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इनको आप इस टाइम पे इसको चख भी सकते हैं कि इसमें नमक ठीक है या नहीं, इसको हम चख लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, इनको मैंने चख भी लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं इसमें तमाम चीज़ें। और इसको ये तैयार हो चुका है, इसको अब हम करेंगे डिश आउट। रायता तैयार हो चुका है, और जब भी आप बिरयानी बनाएं इस रायते को साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही मज़े का रायता होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।